हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, हमने अपने पिछले सेशन में कक्षा 8वीं का पाठ 5 स्मृति शुरू किया था और इसमें हमने एक रोमांचकारी घटना के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो बच्चे डाकखाने में पत्र डालने जाते हैं और उनकी शरारत के कारण पत्र उस कुएं में गिर जाते हैं जहाँ भयंकर काला सांप था। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ, पत्र डाकखाने तक पहुँचे या नहीं। रीडिंग शुरू करने से पहले हम पेज नंबर 42 पर कठिन शब्दों को मार्क करेंगे। तो पहला शब्द है अंत तो गतवा। अंत तो गतवा मीन्स इन द एंड और फाइनली। अ ऊपर बिंदी, त अंत, त को ओ तो, ग आधा त गत वा, अंत तो गतवा। अगला शब्द है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास मीन्स डिटर्मिनेशन। आगे निर्णय, न को छोटी ई, अण के ऊपर रे य, निर्णय मीन्स डिसीजन। नग्न, नग्न मीन्स नेक्ड। मुठभेड़, मुठभेड़ मीन्स मीटिंग और एनकाउंटर। अगले पैरा पे आइए, आश्वस्त। आ आधा श व आधा स त, आश्वस्त मीन्स कॉन्फिडेंट और कन्विंस्ड, CONVINCED। तीसरी लाइन में आइए, धरातल। धरातल मीन्स सरफेस। संक्रापन, संक्रा मीन्स नैरोनेस। पर्याप्त, प य को आ ऊपर रेफ आधा प त, पर्याप्त मीन्स इनफ, ENOUGH। उसी के नीचे देखिए चूक, चूक मीन्स मिस्टेक। लीन, लीन मीन्स लॉस्ट, LOST। सरकाया, सरकाया मीन्स मूव। प्रहार, प के पैर में पदेन प्र, ह को आर, प्रहार मीन्स अटैक। पेज नंबर 43 पर आइए, पहला शब्द है अपमानित। अपमानित मीन्स इंसल्टेड। उपहास, मजाक उड़ाना। बंधुत्व, बंधुत्व मीन्स ब्रदरहुड। प्रयास, प के पैर में पदेन य को आस, प्रयास मीन्स ट्राई। संघर्ष, संघर्ष मीन्स स्ट्रगल। झाड़ झूर कर यानी बाय क्लीनिंग या साफ करना। देह, देह मीन्स बॉडी। ताकीद, ताकीद मीन्स वार्निंग। मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास, मैट्रिक। उपरांत मीन्स बाद में। सजल, सजल नेत्रों से यानी भरे हुए आंसुओं से। सजल मीन्स टेयरफुल, TEARFUL। तो आइए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। अंत तो गत्वा कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कुएं में मौत सामने खड़ी थी, फिर भी मन में विश्वास था कि डंडे से सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैंने कुएं में घुसने की ठानी, यानी उनके पास और कोई चारा नहीं था, सो उसने कुएं में जाने की सोची। उधर छोटा भाई मेरे इस निर्णय से दुखी था, रोता था, क्योंकि उसे आभास था यानी वह जानता था कि मौत मेरे सामने खड़ी है, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। इस लाइन का तात्पर्य ये है कि अब कुएं में जाने के लिए उन्हें उनके पास कोई साधन नहीं था, सो उसे अपनी धोती, अपने भाई की धोती या जिस कपड़े को उन्होंने अपने आसपास लपेटा था, क्योंकि ठंड का मौसम था, और एक वो कपड़ा जिसमें उन्होंने चने बांधे थे, इन सब कपड़ों को बांधकर उन्होंने एक रस्सी बनाई। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी धोतियों को मिलाकर रस्सी बनाकर मैं कुएं में उतरा। मैंने कुएं में उतरने से पहले अपने छोटे भाई को आश्वस्त किया था कि वहां उतर कर मैं सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां आसानी से उठा लूंगा, लेकिन यहाँ तो सांप पहले से ही फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था।
कुएं में नीचे संकरापन होने के कारण डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं था। यानी जो उसने मन में सोचा था कि मैं डंडे से सांप को मार दूंगा, वह नहीं हुआ, क्योंकि सांप पहले ही फन उठाए वहां बैठा था और नीचे जगह भी कम थी, जिसके कारण वह डंडा नहीं मार सकता था। सिर्फ डंडे से सांप को दबाया जा सकता था, लेकिन यदि इसमें चूक हुई तो वह पलट कर जरूर काटता, यानी कोई गलती हो जाने पर सांप उसे काट लेता। हम दोनों अपने पैंतरों के बारे में सोच विचार में लीन थे, यानी ये सारे अपने दोनों भाई बैठकर अपने अपने आइडियाज लगा रहे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों और मोर्चे पड़े थे, लेकिन मेरा मोर्चा कमजोर था। बस एक सूरत थी कि किसी प्रकार चिट्ठियों को सांप के पास से अपनी ओर सरकाया जाए, इसलिए मैंने उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। डंडे से दबाने से ये भी हो सकता था कि वह उस पर हमला कर दे, इसलिए ये विचार निकाल दिया और उसने सोचा कि क्यों ना सांप का ध्यान भटकाया जाए, तब चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाया यानी अपनी ओर किया जाए। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की ओर चिट्ठी सरकाने के लिए बढ़ाया कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। सांप ने अपनी पूरी शक्ति से डंडे पर प्रहार किया था। उसने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 बार चोटे की। अगर यही उसे मारने की कोशिश की जाती तो जो हमला उसने डंडे पर किया वह उस लड़के पर भी हो सकता था। वह डंडा भी पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर मेरे छोटे भाई ने फूं फूं की आवाज और मेरे पैरों के धमाके की आवाज सुनकर समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया, यानी उसे ऐसा लगा छोटे भाई को कि उस सांप ने मुझे काट लिया है और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके की आवाज में टूट गया। मैंने पुनः प्रयास किया और इन चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाने से पहले सांप को दूसरी ओर कुछ मिट्टी के टुकड़े फेंके, जिससे उसका ध्यान उधर जाए, और वैसा ही हुआ। यानी उसने क्या किया, सांप का ध्यान भटकाने के लिए छोटा सा पत्थर मारा। मैंने तुरंत चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाकर उठाया और उन्हें अपनी धोती की घेर में बांध दिया। फिर छोटी भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। मैं जीवन और मौत के संघर्ष से बचकर किसी प्रकार कुएं से बाहर आया। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनगढ़ के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, यानी एक किशनगढ़ के लड़के ने उन्हें ये करते हुए देखा था, इसलिए उन्हें ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना को किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े और चिट्ठियों को सही जगह पहुंचाकर घर वापस आ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई तो सजल नेत्रों से यानी भरी हुई आंखों से उन्होंने मुझे हृदय से ऐसे लगा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है, यानी अपने घोंसले में छिपा लेती है। लेकिन कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोमांचकारी और भयानक ना था। यानी तब लोगों के पास राइफल नहीं होती थी, तो उस बच्चे के पास भी तब उस समय क्या था, डंडा था। उसने कहा कि जो मज़ा लोगों को राइफल के साथ शिकार करने में आता है, वही मैंने उस डंडे के साथ और सांप के शिकार में लिया, और ये रोमांचकारी घटना थी और बड़ी ही डरावनी भी थी। तो बच्चों, इस रोमांचकारी घटना को सार के रूप में आप अपने शब्दों में और सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।